नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2000 का सवाल है इट सेज हॉरिजॉन्टल रेंज इज फोर टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी तो हमारे को सिचुएशन uh, दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेन से चार गुना है राइट right? सो so, इस केस में हम कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू फोर एच डाउ Uh, इस वैल्यू के लिए देर आर टू वे वन इज जो हम क्लास में कई बार स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या उन्हें पता होता है कि एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ लेट्स स्पेंड सम टाइम और ये भी देख लेंगे फॉर्मूला आया कैसे ना इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला जो यूज़ कर सकते हैं वो है आर इज इक्वल टू फोर एच कॉट कॉट थीटा वह थीटा इज द एंगल जिस एंगल से आपने लॉन्च किया है अब इन दोनों को इक्वेशन आप इन दोनों को आप अगर कंपेयर करेंगे विच एम्प्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू वन विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सो अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं नाउ एक बार इस फॉमूले को डिराइव कर लेते हैं आ, कुछ सेकंड लगेंगे कि के इस केस में हुआ क्या ये फॉर्मूला आया कैसे राइट right? हमें ये गिवन कंडीशन है कि रेंज इज इक्वल टू फोर एच ठीक है सो रेंज का फॉर्मूला होता है उसको हमने लिखा यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसीटा डिवाइड बाय जी और यह है फोर टाइम मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम हाइट को हम यहाँ लिख सकते हैं फोर टाइम्स ये आ गया आपका एच यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी जी विल गेट कैंसिल यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमने जानबूझ के साइन टू थीटा ना लिख के इसको ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉ थीटा लिखा है तो साइन थीटा विल गेट कैंसल तो इसके बेरिस पे हम ये कह सकते हैं uh, कि आपका एंड दिस टू फोर और टू कैंसिल होकर टू आ जाएगा सो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका कॉ थीटा बचा इज इक्वल टू एक वहाँ पे साइन थीटा बचेगा विच एम्प्लाईज़ कॉड थीटा इज इक्वल टू वन या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा से भी वैल्यू हम कह सकते थे सो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सो अगर आप ये फॉर्मूला या तो पता ना हो या भूल जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन नंबर सी फोर्टी फाइव डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर